अस्सलाम वालेकुम। KC 100X की बात कर लेते हैं। तो आज बिलाखिर KC 100X में रिकवरी देखें आई गई और KC 100 की जो है वो 62,000 पे क्लोजिंग आई। KC 100 ने 1178 पॉइंट्स गेन करें, लेकिन देखें जिस तरह से KC 100 पिछले एक हफ्ते में जो कि 67,000 पे KC 100 ट्रेडिंग कर रहा था, वहाँ से पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बढ़ा। तो उसकी वजूहत थी ना वो ये थी कि ज़्यादातर लोगों ने फ्यूचर में और लेवरेज में ना स्टॉक्स बाय करके होल्ड किए हुए थे। तो फिर जब उन लोगों ने वहाँ से स्टॉक्स को गिरता हुआ देखा तो फिर कंटिन्यूसली KC 100 नीचे की तरफ ही आता रहा। वो इसलिए कि देखिए सेलिंग प्रेशर एक बढ़ चुका था और फिर लोगों ने वहाँ से स्टॉक्स सेल भी करे हैं, तो इसीलिए फिर इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता रहा और एक सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका था और KC 100 से फिर 8,000 पॉइंट्स निकले और इंडेक्स 59,000 पे आया। तो फिर वहाँ देखिए ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि मार्केट तो गई और इंडेक्स 50,000 रहेगा। वहाँ से आप लोगों से इसीलिए कह दिया था कि इंडेक्स जो है वो रिकवरी करेगा, तो फिर देखिए वहाँ से इंडेक्स ने रिकवरी भी करी और फिर इंडेक्स के 3,000 पॉइंट्स कंटिन्यूसली गेन हुए। 1,000 पॉइंट्स 1,500 पॉइंट्स करते करते 3,000 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए और अभी इंडेक्स 62,000 पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो देखिए शॉर्ट टर्म रिकवरी आ रही थी जो कि मैंने आप लोगों को बता भी दी थी। तो अब देखें यहाँ से जो जो स्टॉक्स प्रॉफिट में हो ना आप लोगों के, तो वहाँ आप लोग प्रॉफिट को पक्का करें और इन स्टॉक्स को सेल कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखें ज़रा सी भी कोई भी एक नेगेटिव खबर आके हिट करती है और देखें जिस तरह से इंडेक्स तेजी से नीचे की तरफ आया, तो फिर देखें इंडेक्स के अगर पॉइंट्स निकलेंगे तो फिर जो जो स्टॉक्स आप लोगों ने होल्ड करे हुए तो फिर उनके जो रेट्स हैं वो भी फिर कम हो जाएंगे, यानी कि फिर आप लोगों का पोर्टफोलियो वो फिर आप लोगों का नीचे की तरफ ही शो हो रहा होगा, यानी कि आप लोगों के फिर माइनस में शो हो रहा होगा आप लोगों का पोर्टफोलियो। तो ये तो देखिए शॉर्ट टर्म रिकवरी आई है और जो मैंने आप लोगों को बताया कि इंडेक्स 3,000 पॉइंट्स जिस तरह से गेन करा है और अभी 62,000 पे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो देखें यहाँ से सेलिंग आएगी तो फिर इंडेक्स नीचे गिरेगा। क्योंकि देखें आज जिस तरह से KC 100 के स्टॉक्स ने रिकवरी करी और सारे स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ गए और सारे स्टॉक्स बुलिश ट्रेंड में जाके क्लोजिंग आई है, स्टॉक्स की मारी को देखें अपर कैप लगा और सारी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स का देखें मैं आप लोगों को इसीलिए रेकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप लोग इन स्टॉक्स में बाइंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और देखें अगर मैं आप लोगों से पैनी स्टॉक की बात कर लूँ आज, तो देखिए पैनी स्टॉक्स ने आज फिर लोगों को किस तरह से फंसा दिया, चाहे वो WTL के इलेक्ट्रिक सिनर्जी, देखिए सारी स्टॉक्स का मैं आप लोगों को इसीलिए मना कर रहा था कि देखिए ये वो स्टॉक्स थे कि जो फिर आप लोगों को सिर्फ बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए फिर जो कि टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं ना, ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए होते हैं कि वो लोग फिर पैनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें और जैसे ही उनको प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट को पक्का करें और उनसे निकल जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन देखिए कोई भी बंदा जिसको नॉलेज नहीं है और वो इनमें फिर ट्रेडिंग करता है तो फिर देखें ये स्टॉक्स गिरते इस तरह से कि फिर आप फंसाई देंगे और वहाँ से फिर आप लोगों को नुकसान ही होना है। तो देखिए मैं इसीलिए आप लोगों से पैनी स्टॉक्स का मना कर रहा होता हूँ और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स का रेकमेंड कर रहा होता हूँ। तो यहाँ आप लोग इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। फिर देखें जो एक सीधा सा और एक जो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है ना स्टॉक्स की बाइंग करने का, वो यही है कि भाई कोई भी स्टॉक आप लोगों को डिप पे मिल रहा हो तो वहाँ आप लोग उस स्टॉक की एक्युमुलेशन करें और अपनी वर्किंग लाजमी करें और देखें वहाँ आप लोग उन स्टॉक्स को एक्युमुलेशन कर लेंगे तो फिर देखें तेज़ी में कैपिटल गेन किस तरह से लोगों को कितना अच्छा हासिल हुआ। PPL, OGDC, SNGP, साजगार ने किस तरह से तेज़ी से बढ़ा। तो देखिए इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारे स्टॉक्स ही पिछली वीडियोस में आप लोग खुद मेरी जाके वॉच करके देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को इसीलिए सारी कंपनीज के स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा था और देखिए सब ने कितना तेजी से सारे स्टॉक्स एक अपर की तरफ गए और सब ने फिर कितना अच्छा कैपिटल गेन दिया। फिर देखिए मैं आज भी आप लोगों के लिए 5 बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाया हूँ। ये 5वीं ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट से इन स्टॉक्स का मैंने आप लोगों को देखिए पहले भी इसीलिए बताया कि ये स्टॉक्स मुझे बुलिश लग रहे थे और कंटिन्यूसली अपर की तरफ ही जा रहे थे। और अगर देखें आज की मैं आप लोगों से बात कर लूँ तो आज भी ये 5वीं ही कंपनीज के स्टॉक्स में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं उन लोगों को कैपिटल गेन, डिविडेंड पे आउट्स, हर तरह से ये स्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देते रहेंगे। इसलिए भी जो कंपनी की ना अर्निंग्स हैं, कंपनीज की बैकबोन्स हैं, वो सारी मजबूत हैं। तो भाई कचरे से बचा जाए और मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी जाए तो फिर देखिए वहाँ आप लोगों को एक डर नहीं होगा कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, यानी कि फंसी हुई है या आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ से बढ़ रही है या अगर गिर रही है तो फिर ऐसा ना बिल्कुल ही डूब जाए। क्योंकि वो 5वीं कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो आप लोगों को कैपिटल गेन भी देंगे, रिटर्न भी मिलता रहेगा, डिविडेंड्स और पेआउट्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये पावर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है हब पावर कंपनी लिमिटेड, हबको इसका कोड है। 118 पे अभी हब पावर कंपनी का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, 126 रुपये का हब पावर कंपनी के स्टॉक ने हाई लगाया। और देखिए अभी ये स्टॉक जो है वो एक्युमुलेशन के रेटों पे चल रहा है, यानी कि अभी यहाँ से देखिए जिस तरह से इंडेक्स में एक रिकवरी आ रही है, चाहे शॉर्ट टर्म रिकवरी हो तो ये स्टॉक भी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इस कंपनी का पेआउट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि डिविडेंड्स और पेआउट्स भी
क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा था कि इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो ये देखिए फर्स्ट कंपनी का मैंने आप लोग को बताया हपको का डिविडेंड्स और पेआउट्स भी हपको का बहुत ज़्यादा शानदार है। कैपिटल गेन के लिए भी स्टॉक को लोग बाइंग कर लेते हैं और जिस तरह से हपको के स्टॉक ने 65 रुपये की सपोर्ट को बना के कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ गया और 126 रुपये का हाई लगाया। तो अभी तो ये 118 पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देखिए अभी ये जनरेटर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये तो अभी यहाँ से एक्युमुलेशन हो रही है। तो अभी बढ़ते हुए हब पावर का सपोर्ट लेवल कौन सा बन सकता है, बढ़ते हुए रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया जो कि हब पावर कंपनी का एक लॉन्ग टर्म टारगेट है, तो ये सारा फिर मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके हब पावर कंपनी के स्टॉक को देख के समझ लेते हैं। हब पावर कंपनी की बात कर लेते हैं तो 118 रुपये पे हब पावर कंपनी के स्टॉक की क्लोजिंग आई है। और अगर हम हब पावर कंपनी का सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता दूं तो हब पावर कंपनी का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है, यानी कि हब पावर कंपनी का स्टॉक आप लोगों को यहां मिलता है तो यहां पर एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो वो हब पावर कंपनी का 105 से 106 रुपये का ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल है और बेस्ट बाइंग जोन भी हब पावर कंपनी का यही है। तो यहीं से सपोर्ट बना के हब पावर कंपनी का स्टॉक जो है वो 118 रुपये पर गया है। तो अभी अगर ये स्टॉक आप लोगों को वापसी 115 रुपये के रेट से मिलता है, यानी कि 115-116 रुपये पे आप लोगों को हब पावर कंपनी का स्टॉक मिलता है, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों की बाइंग हो जाएगी। और ये डिविडेंड्स पेआउट्स फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी तो है, ये हर तरह से ही बहुत ज़्यादा ही बेहतर है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी की कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये उस लिहाज से ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी कि देखेंगे जिस तरह से पिछली हिस्ट्री में जिस तरह से हब पावर कंपनी का जो सपोर्ट लेवल बना, अगर हम हब पावर कंपनी के सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो हब पावर कंपनी का जो सपोर्ट लेवल बना वो 64 से 65 रुपये पे, जैसे ही हब पावर कंपनी ने जून 2023 में एक्युमुलेशन करके बैंक जनरेट हो गई तो फिर हब पावर कंपनी का स्टॉक वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया है। और फिर जैसे ही हब पावर कंपनी के स्टॉक ने 81 रुपये का रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो फिर हब पावर कंपनी का स्टॉक वहाँ से और मजीद तेज़ी से बढ़ा, और बढ़ते हुए हब पावर कंपनी ने 126 रुपये का भी हाई लगा दिया। तो यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो अभी आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को बताया सपोर्ट लेवल 115 रुपये का, यह आप लोगों को यहाँ मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी हब पावर कंपनी के स्टॉक में। कैपिटल गेन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है और डिविडेंड्स भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी दे रही होती है। तो हर लिहाज से देखा जाए तो हब पावर कंपनी का स्टॉक जो है वो हर तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को इस तरह के स्टॉक रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि भले मार्केट नीचे जाए, इंडेक्स नीचे गिरे ऊपर बढ़े, लेकिन इस तरह की कंपनीज जो है वो रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही होती है। इसके अलावा कैपिटल गेन भी इस तरह की जो कंपनीज हैं, इसके अलावा वो सारी कंपनीज हैं तो उनमें आप लोगों को कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हासिल हो जाता है। तो ये था पावर कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो इसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंग्रो इसका कोड है। अभी एंग्रो का जो स्टॉक है वो 293 पे ट्रेडिंग कर रहा है और आज की अगर बात कर लेते हैं तो आज भी ये 23 से 300 रुपये तक गया, लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग आएगी तो फिर एंग्रो का स्टॉक 293 तक पहुँचा है और अभी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है और 329 का तो एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक ने हाई लगाया। और डिविडेंड्स और पेआउट्स भी एग्रो कॉर्पोरेशन का बहुत ज़्यादा शानदार है, अभी तक 293 पे ट्रेडिंग कर रहा है तो ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो अभी यहाँ से कितना बढ़ सकता है, उसका रेजिस्टेंस कौन सा आता है और लॉन्ग टर्म टारगेट एग्रो कॉर्पोरेशन का क्या हो सकता है, तो ये फिर एग्रो कॉर्पोरेशन के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। एग्रो कॉर्पोरेशन की स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल ग्रुप की कंपनी है। आज की तो परफॉर्मेंस आप लोगों ने खुद देखी कि ये जिस तरह से ये तकरीबन कोई 292-292 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ से KC 100 में एक अवर्ड आया और KC 100 23 से अवर्ड की तरफ गया है तो फिर एग्रो कॉर्पोरेशन ने भी एक एक्युमुलेशन तो चल रही थी लेकिन फिर वहाँ से तेजी देखने में आ गई तो फिर एग्रो कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा तेजी से अपने हाई की तरफ गया और 300 रुपये से ऊपर पे एग्रो कॉर्पोरेशन ने ट्रेडिंग करी, लेकिन फिर वहाँ सेलिंग आ जाने की वजह से और KC 100 में भी सेलिंग आएंगे तो फिर ये स्लो स्लो करके नीचे की तरफ आया और 293 रुपये में एग्रो कॉर्पोरेशन की क्लोजिंग आई। एग्रो कॉर्पोरेशन के सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो 280-282 रुपये पे एग्रो कॉर्पोरेशन ने दिसंबर 2023 में सपोर्ट लेवल जैसे ही बनाया तो वहाँ से बैंक जनरेट हुई तो फिर एग्रो कॉर्पोरेशन 23 से अवर्ट की तरफ गया। अभी जिस तरह से देखा जाता है एग्रो कॉर्पोरेशन 23 से बढ़ा है तो एग्रो कॉर्पोरेशन का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है तो वो एग्रो कॉर्पोरेशन तकरीबन 320 रुपये तक तो जा सकता है, क्योंकि देखिए जैसे ही एग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो 280-282 रुपये पर एक्युमुलेशन होगी और एक बैंक जनरेट होगी तो ये फिर 23 से अवर्ट की तरफ गया है। तो अभी ये दोबारा 23 से बढ़ सकता है, यानी कि 320 रुपये तक एग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक जा सकता है और डिविडेंड और पेआउट भी कंपनी का बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये था एग्रो कॉर्पोरेशन का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, UBL इसका कोड है। अभी ये स्टॉक देखिए 174 पे ट्रेडिंग कर रहा है और जिस तरह से KC 100 में बुलिश ट्रेंड आया तो ये स्टॉक 191 रुपये तक गया, लेकिन देखिए अभी ये अपने मजबूत सपोर्ट लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है और यहाँ से ये कितना बढ़ सकता है तो ये फिर हम UBL के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं।
यूबीएल का स्टॉक जो है वो अभी 174 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है ना यूबीएल का, वो 168 से लेके 170 रुपये, यानी कि 170 रुपये का यूबीएल का एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। और देखिए अभी यहाँ से बिल्कुल बाइंग रिकमेंड है वो, इसलिए कि देखिए ये इसका सपोर्ट लेवल बना है और यहाँ से पे ये 23 से अपवर्ड की तरफ गया है, यानी कि ये स्टॉक जो है वो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बताया था कि यूबीएल का जो स्टॉक है वो 215 से लेकर 220 रुपये, यानी कि ये 220 रुपये तक आराम से जा सकता है। और देखा है तो एक कंटिन्यूसली बाइंग भी जनरेट हो रही है और एक्युमुलेशन भी चल रही है, यानी कि सारे जो वॉल्यूम्स है वो अपवर्ड की तरफ ही हैं। सारे ट्रिगर्स यही बता रहे हैं कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ सकता है और वही आप लोग को देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। देखिए मैंने आप लोगों को जब इसका स्टॉक बताया था यूबीएल का, तो वो 145 से लेके 150 रुपये, यानी कि ये इन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। आप लोग मेरी खुद पिछली वीडियो का जाके वॉच करके देख सकते हैं कि यूबीएल का मैंने आप लोगों को बताया था 150 रुपये पे, तो ये यहाँ से देखें अच्छा खासा बढ़ गया, यानी कि 40 रुपये का तो इसने कैपिटल गेन भी दिया और डिविडेंड्स भी ये कंपनी दे रही होती है और हर तरह से टॉप एक्टिव इसकी मैनेजमेंट भी है। तो ये लॉन्ग टर्म में जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्टॉक 210 रुपये का हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल बाइंग रिकमेंड है। हाँ अगर आप लोगों को नीचे डिप पे मिलता है तो ये मतलब जितना डिप पे मिले उतना अच्छा है, लेकिन देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया जो कि इसका 170 रुपये का है, तो ये देखें इसका अभी भी सपोर्ट लेवल बना यही वाला, तो 170 का जो मैंने आप लोगों को बताया इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो ये दोबारा देखें यहाँ से अपवर्ड की तरफ गया है, तो बिल्कुल देखें बाइंग इसमें रिकमेंड है और कैपिटल गेन के लिए भी अच्छा है स्टॉक, और इसके अलावा डिविडेंड्स और पेआउट्स भी ये कंपनी शानदार दे रही होती है, तो हर तरह से ये कंपनी का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। तो ये था यूबीएल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड, BWCL इसका कोड है। 185 पे अभी बेस्ट वे का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है और 209 रुपये का जिस तरह से KC 100 इतना तेजी से बढ़ा तो इस कंपनी ने हाई लगाया। तो देखें जिस तरह से अभी ये 185 पे ट्रेडिंग कर रहा है तो ये यहाँ से और ज़्यादा तेजी से बढ़ सकता है, यानी कि 209 रुपये को भी बेस्ट वे का जो स्टॉक है वो ब्रेक करके उसके ऊपर पर ट्रेडिंग कर सकता है, और डिविडेंड्स और पेआउट्स भी बहुत ज़्यादा ही शानदार है बेस्ट वे सीमेंट कंपनी का। तो बढ़ते हुए बेस्ट वे का रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, सपोर्ट लेवल कौन सा बन रहा है और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है बेस्ट वे का, तो ये फिर बेस्ट वे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। बेस्ट वे सीमेंट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो देखें इस स्टॉक का मैं आप लोगों को 5 सितंबर से बता रहा हूँ जब ये 150-155 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा था और वहाँ से ये एक तेजी से अपवर्ड की तरफ ही गया है। इनकी कंपनी जो है वो बेस्ट वे ग्रुप की कंपनी है और बहुत ज़्यादा ही जो मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी तो है ही, इनके सीमेंट सेक्टर में ये स्टॉक है। तो और सीमेंट के आप लोगों ने खुद देखा कि किस तरह से कोयले का रेट इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ा इंटरनेशनल मार्केट में और क्रूड ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें जिस तरह से अप डाउन हो रही होती हैं, तो इस कंपनी की जो अर्निंग्स है और बॉटम लाइन है वो तो बहुत ज्यादा ही मजबूत है और सेल्स भी कंपनी की बहुत ज्यादा ही अच्छी चल रही होती है। तो 150 रुपये की सपोर्ट को बना के 23 से 209 रुपये तक ये गया, और अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो बेस्ट वेस्ट सीमेंट का जो स्टॉक है वो 181-182 रुपये पे यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ से बैंक जनरेट होगी तो फिर बेस्ट वेस्ट सीमेंट का जो स्टॉक है वो 185 रुपये चला गया, यानी कि 185 रुपये पे अभी बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये स्टॉक बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कंपनी का डिविडेंड और पेआउट वो बहुत ज़्यादा ही शानदार है, तो देखा है तो हर तरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस इसमें एक सेलिंग प्रेशर आ गया था वो इसलिए कि KC 100 ने भी सेलिंग प्रेशर था, तो KC 100 भी 23 से नीचे की तरफ गया, यानी कि 209 रुपये पे बेस्ट वे के स्टॉक में सेलिंग आई है तो फिर ये 23 से नीचे की तरफ गया। तो अभी जो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है वो इसका देखिए 170-172 रुपये का बना, अब ये यहाँ से 185 पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये यहाँ आप लोग बाइंग कर लेते हैं तो कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट वे सीमेंट कंपनी के स्टॉक में हासिल हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये तो बहुत ज़्यादा ही शानदार और ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, डिविडेंड्स और पेआउट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये था बेस्ट वे सीमेंट कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। पांचवी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। फैसल बैंक का जो स्टॉक है वो 32.84 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है और 34 रुपये से ऊपर का फैसल बैंक के स्टॉक ने हाई लगाया, और देखें जिस तरह से 20 रुपये के बाद से फैसल बैंक के स्टॉक में एक बाइंग जनरेट और कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ भी जा रहा है। तो देखें मैं आप लोगों को इसीलिए इससे पहले भी मैंने फैसल बैंक का जो स्टॉक है उसका मैंने रेकमेंड किया था, तो देखिए मैंने आप लोगों को इसीलिए इससे पहले फैसल बैंक का रेकमेंड करा था क्योंकि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रहा था और ये वहाँ से कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही है। तो देखिए जैसे ही ये 34 रुपये का जो इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 34 रुपये का, तो ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये यहाँ से 23 से बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट 40 से 45, यानी कि 45 रुपये तक तो
फैसल बैंक का स्टॉक पहुंच सकते हैं। और डिविडेंड्स और पेआउट्स भी अब तो कंपनी जो है वो देती चली आ रही है हर क्वार्टर में ही, तो ये देखा जाए तो हर तरह से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये बढ़ते हुए इसका रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, सपोर्ट लेवल अगर नीचे आता है तो कौन सा बन सकता है, और लॉन्ग टर्म टारगेट फैसल बैंक का क्या हो सकता है, तो ये फिर फैसल बैंक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। फैसल बैंक के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो फैसल बैंक का जो एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी कि फैसल बैंक का स्टॉक अगर आप लोगों को यहाँ पे मिलता है तो फिर ये रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फैसल बैंक के स्टॉक का। तो फैसल बैंक का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 25 से लेकर 27 रुपये का, यानी कि फैसल बैंक का ये बहुत ज़्यादा ही मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है। और यहाँ पे पिछली हिस्ट्री में भी यहाँ पे बैंक जनरेट हुई है और यहाँ से तेजी से अपर की तरफ गया है। तो अगर मैं आप लोगों को आज का बता दूँ तो आज जो है वो फैसल बैंक का स्टॉक 32 रुपये में ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि ये भी इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है और ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है इस 32-31 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। तो अभी भी ये यहाँ से तेजी से बढ़ सकता है, यानी कि ये जैसे ही अपना जो कि इसका 1400 रुपये का एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये 34 रुपये के रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करता है फैसल बैंक का स्टॉक, तो फिर ये यहाँ से 23 से ऊपर निकल जाएगा, यानी कि फिर ये स्टॉक आप लोगों के हाथों में आने वाला नहीं है। मैं इसीलिए आपको कंटिन्यूसली ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये अगर नीचे भी आता है तो ये अपने रेटों को वापसी रिकवर कर लेगा, यानी कि एक तेजी से बढ़ जाएगा। तो देखिए अभी ये जैसी इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 32 रुपये का बन रहा है, तो ये अपने 32 रुपये के रेजिस्टेंस को जैसी ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ से बढ़ेगा आगे। और जो मैंने इसका टारगेट आप लोगों को बताया लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म में फैसल बैंक का जो स्टॉक है वो 50 रुपये तक चला आएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म ये है कि साल और 1.5 साल, यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर फैसल बैंक का स्टॉक 50 रुपये तक जा सकता है। ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, कंपनी की अर्निंग्स भी आ रही हैं और डिविडेंड्स और पेआउट्स की बात कर लेते हैं तो फैसल बैंक का जो है डिविडेंड और पेआउट बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता चला जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो ये बैंक आप लोगों को बताने का मकसद ही ये है कि ये हर तरह से मजबूत बैंक है और अर्निंग्स में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी है। तो देखिए इस नई कंपनीज में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन तो होगा ही होगा, इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड्स भी आप लोगों को कंटिन्यूसली जब जब कंपनी देगी तो वो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये था फैसल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। तो देखिए पाँचों स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि पाँचों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पाँचों कंपनीज के स्टॉक्स। तो देखिए अभी ये पाँचों कंपनीज के स्टॉक्स जिन नेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लोग एक्युमुलेशन करते हैं और जमा करते हैं तो ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं, यानी कि आप लोग एक अच्छा कैपिटल गेन इन पाँचों कंपनीज के स्टॉक्स से हासिल हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। और इसके अलावा इन कंपनीज़ का आप लोग होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कैपिटल गेन तो आप लोगों को अगर आप लोग सेल करेंगे तो वो तो हासिल होगा ही होगा। तो ये पांचों कंपनीज़ के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को इसीलिए बताएं क्योंकि देखिए मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी जाए, और ख़ास तौर पर कचरा और जो पैनी स्टॉक्स हैं उनसे बचा जाए। क्योंकि देखिए जिस तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है, तो अभी तो देखें आज जिस तरह से एक पैनी स्टॉक्स में चल रही है करेक्शन, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है तो ये स्टॉक्स भी उस तरह से बढ़ते रहेंगे। क्योंकि देखिए पैनी स्टॉक्स में अभी जिस तरह से लोग फंसे हुए और कुछ नहीं कर पा रहे, तो देखिए मेरा उन लोगों के लिए यही मशवरा है और मैं उनको यही बोलूँगा कि वो इन पैनी स्टॉक्स को सेल करें और इनसे निकल जाएं। क्योंकि देखिए अब इनका रेट बहुत ज़्यादा आना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से के इलेक्ट्रिक में लोग फंसे हैं, WTL में लोग फंसे हैं, सिनर्जी में लोग फंसे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जिसमें लोग फंस चुके हैं, वो सारी पैनी स्टॉक्स हैं, यानी कि ना उन कंपनीज़ की अर्निंग्स हैं। तो ये पाँचों कंपनीज़ के स्टॉक्स ही फाइनेंशियली स्टेबल हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्किप्स हैं। तो ये था इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, और इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।